Subscribe Commerce with MJ YouTube channel and press the bell icon to get instant notification whenever I post a new video. Hello students, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे. आज की वीडियो में हम मोड कैलकुलेशन सीखेंगे, किस तरीके से मोड को कैलकुलेट करते हैं. देखिए, कंटिन्यूस सीरीज के क्वेश्चन को आज हम करेंगे. देखिए, यहाँ पर हमें क्वेश्चन दे रखा है कि आपको मोड कैलकुलेट करना है फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन से. तो यहाँ पर क्लास इंटरवल्स मुझे दे रखे हैं और फ्रीक्वेंसी मुझे गिवन है. तो इसको मैंने नोट डाउन करा है वर्टिकल फॉर्मेट में. तो यहाँ पर क्लास इंटरवल्स एंड यहाँ पर फ्रीक्वेंसी. देखिए, मोड कैलकुलेट करने से पहले आपको मोड का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए. देखिए, मोड का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट एल प्लस एफ वन माइनस एफ ज़ीरो अपॉन में टू एफ वन माइनस एफ ज़ीरो माइनस एफ टू इंटू एच. अब ये एफ वन, एफ ज़ीरो, एफ टू, एच, एल क्या होते हैं? देखिए, एल का मतलब होता है लोअर लिमिट, एच का मतलब होता है हाइट. ओके, वैसे ही एफ वन का मतलब होता है मॉडल क्लास. क्या होता है? मॉडल क्लास. तो जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ता है कि मॉडल क्लास कौन सी है. उसी मॉडल क्लास की हेल्प से हम एफ ज़ीरो और एफ टू को भी कैलकुलेट कर पाते हैं. ओके, तो देखिए, हमें सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करने से पहले फ्रीक्वेंसी को देखना होता है. फ्रीक्वेंसी में हमें चेक करना पड़ता है कि सबसे लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है. जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर 8, 7, 16, 24, 15 एंड 7 फ्रीक्वेंसीज हैं. तो सबसे लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी हमें दिख रही है, डेट इज़ 24. तो 24 हमारा मॉडल क्लास होगा. तो जो मॉडल क्लास होता है उसी को मैं एफ वन का नाम देता हूँ. वैसे ही एफ वन के ऊपर वन के पहले कौन सा नंबर आता है? ज़ीरो आता है. तो 16 मेरा एफ ज़ीरो हो जाएगा और एफ वन के बाद एफ टू आएगा तो 15 मेरा एफ टू हो जाएगा. और जो मॉडल क्लास होती है उसी का हमें लोअर लिमिट भी लेना पड़ता है. ओके, एंड गैप भी उसी के हिसाब से देखना पड़ता है. जैसे 24 और 32 के बीच में 8 का गैप है तो h की वैल्यू यहाँ पर 8 हो जाएगी. आइए डालते हैं फॉर्मूले में. तो लोअर लिमिट यहाँ पर हमारी आ गई है 24 प्लस f1. तो f1 क्या हो गया हमारा? f1 भी है 24 माइनस f0, f0 हो f1 से ऊपर वाला है, माइनस 16 अपॉन में 2f1. 2f1 मतलब 2 इंटू 24 माइनस f0 दैट इज 16 माइनस एफ टू दैट इज 15. ओके, एंड इन टू एच. हाइट कितना है? अभी हमने डिस्कस किया, हाइट है 8 का, 32 माइनस 24 दैट इज 8. ओके, आइए इसे सॉल्व करते हैं. इसे सॉल्व करके हमारे पास क्या आएगा? 24 प्लस 24 माइनस 16 हमारा कितना होता है? दैट इज 8 होता है. ये आपका हो जाएगा 48. 48 माइनस 16 एंड देन माइनस 15 दैट इज 17. ओके, इसको आपको फिर 8 से इंटू करना है. तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, इस पूरे को सॉल्व करेंगे, 8 8 जस 16 एंड डिवाइड बाय 17, तो आपका आंसर कुछ आएगा 3.76. और आपस में जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा 27.76. दैट इज मोड. तो इस तरीके से हम मोड को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो मोड को कैलकुलेट करना बहुत ही सिंपल होता है. हमें बस ये चेक करना होता है कि फ्रीक्वेंसी में कौन से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, उससे हमारा मॉडल क्लास निकल जाता है. और मॉडल क्लास की हेल्प से हम लोअर लिमिट f0, f2 और हाइट को भी देख पाते हैं और सिंपल सा अपना फॉर्मूला अप्लाई करके मोड को कैलकुलेट कर लेते हैं. आई होप आपको आ गया होगा कि किस तरीके से मोड को कैलकुलेट करते हैं. वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ. गुड बाय, टेक केयर.